हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे प्याज और टमाटर की एकदम स्मोकी सी चटनी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। जब हमें कुछ सब्ज़ी बनाने का समझ में नहीं आता तो आप ये चटनी ट्राई कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और इस चटनी को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसे आप 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। चलिए शुरू करते हैं ये चटनी बनाना। मैंने यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं, इनको अच्छे से छील करके धो लिया है और अब हम इनको काट लेंगे। मैंने इनको गोल गोल काट लिया है, आप चाहें तो इसको लंबे लंबे स्लाइसेस में भी काट सकते हो। 3 टमाटर लिए हैं, इनको भी हमें 2 भागों में काट लेना है। 1 टमाटर के 2 हिस्से कर लेने हैं। और 3 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 3 से 4 तीखी वाली हरी मिर्च ली हैं। अब हम एक पैन लेंगे या फिर कोई भी कढ़ाई ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल डालेंगे 2 छोटा चम्मच। सरसों के तेल में ये चटनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हो। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें लहसुन डाल देंगे और जो प्याज हमने काट के रखी थी वो इसमें डाल देंगे। सारे प्याज मैंने डाल दिए हैं। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और टमाटर को हमने जिस साइड से काटा था पहले हम उस साइड से पकाएंगे। हरी मिर्च भी डाल देंगे, हरी मिर्च को मैंने बीच में से कट कर लिया है। अब हमें इसको बिना ढक्कन लगाए पकाना है 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तब तक ये टमाटर जो है एक साइड से अच्छे से पक जाएंगे। अब हमें इनको पलट देना है और ये देखिए प्याज में भी हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है और टमाटर हैं जो एक साइड से सीख चुके हैं। अब हमें इनको पलट देना है ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाए। और ये देखिए प्याज का कलर कितना अच्छा आया है। इस तरह से जब हम टमाटर और प्याज को पकाकर बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी बनेगी, खुशबूदार ये चटनी बनेगी। इनको हमें पलटकर सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए और पकाना है। इतनी देर में प्याज टमाटर अच्छे से पक जाएंगे। और ये देखिए जो हमारे प्याज और टमाटर हैं वो अच्छे से पक चुके हैं। बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है अभी से। अब हम इनको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद में हम इनको पीसेंगे। और देखिए प्याज और टमाटर अच्छे से ठंडे हो गए हैं। आप चाहें तो टमाटर का जो छिलका है वो हटा सकते हो, आसानी से हट जाएगा। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें ये चटनी पीसेंगे। मैंने यहाँ पर सारी प्याज और टमाटर इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और 1/2 छोटा चम्मच मैंने साबुत जीरा डाल दिया है। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी चटनी में। बस हमें इसको पीस लेना है और कोई भी मसाले हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। इसी में ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और ये देखिए आप चाहें तो इस चटनी में एक तड़का भी लगा सकते हो, देसी घी का हींग और जीरा डालकर लगा दीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। इस चटनी को आप रोटी पराठा पूरी किसी के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हो। आप ये चटनी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ये चटनी बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट ज़रूर से कीजिए। बाय।